प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में जिस तरह नरेंद्र मोदी और शरद पवार ने हंसी ठिठोली की, शिवसेना यूटीजी प्रमुख उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई। उद्धव ठाकरे ने अब अपने गठबंधन के सूत्रधार रहे शरद पवार से नाराजगी बताई जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार जिस तरह नरेंद्र मोदी का मंच पर इंतजार करते रहे, वह उद्धव को नागवार गुजरी है। पुणे में मंगलवार को प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा एनसीपी नेता शरद पवार भी मौजूद थे। तिलक की प्रतिमा में माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद अतिथियों से मिले। जब वे शरद पवार के पास पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तब दोनों के बीच बातचीत भी हुई। मुस्कुराहट के साथ शरद पवार ने मोदी का पीठ भी थपथपाया। इसके बाद पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद सुशील कुमार शिंदे भी मुस्कुरा उठे। महाराष्ट्र में सियासी फेरबदल के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और शरद पवार एक साथ मंच साझा कर रहे थे। कार्यक्रम में दीपक तिलक ने प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई भगवद गीता का गुजराती भाषा में अनुवादित कॉपी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात पर लोगों की नजरें टिकी थी। शिवसेना सांसद संजय राउत समेत कई दलों ने शरद पवार के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपील भी की थी। इसके अलावा टीम इंडिया के नतीजों ने पवार को दूर रहने की सलाह दी थी, फिर भी वह नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में गए। एनसीपी में अजीत पवार के बगावत के बाद यह पहला मौका था जब दोनों एक मंच पर पहुंचे थे। इस समान समारोह में शरद पवार मुख्य अतिथि थे। मंगलवार को शरद पवार अन्य अतिथियों के आने से पहले कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचे। मंच पर नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक साथ नहीं बैठे, उनके बीच तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक भी मौजूद रहे। बागी हो चुके भतीजे अजीत पवार भी उनसे काफी दूर रहे। वहां सार्वजनिक तौर से चाचा भतीजे ने बातचीत नहीं की। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार पर कांग्रेस भी भड़क गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना गलत नहीं है, लेकिन एक तरफ तमाम विरोधी बीजेपी और एनडीए के खिलाफ उतर रहे हैं, भारत के झंडे तले ये दल एकजुट हो रहे हैं, ऐसे में ऐसे आयोजनों के कारण निश्चित तौर पर भ्रम का माहौल बन रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पुणे में हुए कार्यक्रम में शरद पवार की मौजूदगी में इसे चर्चा का विषय बना दिया है। उनके जैसे अनुभवी नेता को लोगों के बीच भ्रम दूर करना चाहिए। अशोक चव्हाण ने कहा कि बेहतर होगा कि शरद पवार अपना रुख साफ करें। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।